श्री अकाल तख्त साहब के जत्थेदार ज्ञानी गुरबचन सिंह आज 550वां नानकशाही कैलेंडर जारी करने के बाद पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। इसी दौरान उन्होंने समूचे सिख संगत से अपील की है कि वे समूचे गुरुपुर्ब, अन्य दिहाड़े और अपनी दिनचर्या को नानकशाही कैलेंडर के मुताबिक ही किया करें। वहीं ज्ञानी गुरबचन सिंह के द्वारा मीडिया से बात करते हुए ये भी कहा कि आज श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी और श्री अकाल तख्त साहब की ओर से नानकशाही कैलेंडर जारी कर दिया गया है। अमृतसर से ललित शर्मा। अज श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की धर्म प्रचार कमेटी वालों जो कैलेंडर कमेटी वालों कैलेंडर तैयार किया जाता हर साल ही, इस साल भी 2018-19 नानकशाही समुद 550 उस समर्पित गुरु नानक साहब के 550 सालों समर्पित करके कैलेंडर तैयार करके श्री अकाल तख्त साहब विखे दफ्तर के सीनियर अधिकारियों की मैंबर श्रोमणी कमेटी एडजेक्टिव मैंबर कमेटी जनरल सकत्र उन्होंने हाजिरी में रिलीज़ किया गया है। देश विदेश दंगतान श्री अकाल तख्त साहब वालों कहा जाता है कि जो गुरपुरब हैं, जो सारे दिहाड़े हैं, साढ़े घरोगी समागम ने इस कैलेंडर दरीकों के अनुसार मना के गुरु दिया खुशियां दे पात्र बन श्री अकाल तख्त साहब अनुसार समर्पित होन। एवें किसी के झांसे में आके कोई होर कैलेंडर मनन की लोड़ नहीं है। यह समुचे खालसा पंथ का कैलेंडर है। श्री अकाल तख्त साहब वालों इस रिलीज़ किया गया। देश विदेश दंगत इस दे अनुसार ही अपने गुरपुरब इतिहासक दिहाड़े शहीदों के दिहाड़े अपने घरोगी जोड़े समागम ने वह भी इस कैलेंडर दिया तरीकों के अनुसार ही मना तरीक नहीं आदियाँ। वो कई लोगों भुलेखा है जो असी कैलेंडर मिल गोभा करके देखते हैं, देसी तरीका अंग्रेजी तरीकों मिला के देखते हैं तो फिर गड़बड़ होंगी है। जो असी एक तरीकों के अनुसार चलते हैं तो वह कदम भी असी दुविधा नहीं पी।